कोई भी प्लान ऑटोकैड में इंपोर्ट आपको करना है तो आप क्या करेंगे, फाइल इंपोर्ट, ऑल सपोर्टेड में सारी फाइल्स हो जाएंगी। अगर आपको ज़्यादा फाइल्स एक ही जगह पे पड़ी हुई है, आप चाहते हो सिर्फ DWG शो हो, तो ये ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट ऑटोकैड फाइल ऑप्शंस। ऑटोकैड फाइल जो है, अगर आपने MM में वर्क किया हुआ है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे MM, जिस भी यूनिट में काम किया हुआ है वही यूनिट सिलेक्ट करेंगे। अगर वर्क इंचेस में है और यहाँ पर आपने MM सेलेक्ट करके ओके करके इंपोर्ट कर दिया तो क्या होगा, 9 इंच की वॉल 9 MM में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पहले ये पता होना जरूरी है कि आपकी ये फाइल किस यूनिट में है। किस यूनिट में बताओ, फिट इंचेस में है ना, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे इंचेस। ओके, सेलेक्ट इंपोर्ट। ये इस पर डिटेल आ जाती है कि इसमें क्या क्या कितनी चीजें इम्पोर्ट हुई है, ठीक है, कितने लेयर्स हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, सब कुछ। फाइल इंपोर्ट हो गई, तो ये सब फालतू की चीज़ें हम स्केचअप में अगर रखेंगे तो बेकार में फाइल आपकी हैवी हो जाएगी। तो हम एक सेकंड कुछ देर के लिए इस प्लान को क्या करते हैं, राइट क्लिक करके एक्सप्लोर, और इन सबको एक्सप्लोर करने से अलग अलग हो जाते हैं, और इन सबको डिलीट कर, ये भी नहीं चाहिए मुझे डिलीट, जो कुछ भी आपको नहीं चाहिए वो सब डिलीट कर, ठीक। और सेलेक्ट किया इसको मैंने, राइट क्लिक, इसको कर दिया मैंने ग्रुप, अलग अलग प्लान्स को अलग अलग ग्रुप में आप कन्वर्ट कर लो। एलिवेशन है तो उनको भी सेलेक्ट करके ग्रुप कर दो, सबको अलग अलग ग्रुप कर दो।